नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वच्छता की। हमारा नगर बेगमगंज स्वच्छता में नंबर वन आना है। इसके लिए हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर पर एक कचरा गाड़ी जाती है, जिसमें सूखा कचरा और गीला कचरा डालना होता है और लोग बाग डालते हैं। पर कुछ लोगों को नहीं पता कि गीला कचरा किस बॉक्स में डालना है और सूखा कचरा किस बॉक्स में डालना है। नगर के अंदर 3 टंकियां रखी हुई हैं कचरे की, जो एक नीले रंग की है, एक पीले रंग की है और एक हरे रंग की है। ये जो बॉक्स है नीले, हरे, पीले रंग के, इन बॉक्सों में किन बॉक्स में कौन सा कचरा डालना है, ये भी अभी लोगों को नहीं पता। बस उठाते हैं लोग बाग और कचरा उन बॉक्सों में डाल देते हैं। हम इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि नीले रंग के बॉक्स में कौन सा कचरा डलेगा, पीले रंग के बॉक्स में कौन सा कचरा डलेगा और हरे रंग के बॉक्स में कौन सा कचरा डलेगा। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। नगर के हर वार्ड में, हर गली में और हर घर तक पहुंच रही है कचरा गाड़ी, पर लोगों को अधिकतर जानकारी नहीं है गीला कचरा कहां डालें और सूखा कचरा कहां डालें। नगर में 3 कलर के कचरे के बॉक्स रखे हुए हैं, नीला, पीला और हरा। कौन से बॉक्स में कौन सा कचरा डालना है, अब हम ये बताएंगे इस खबर में। स्वच्छता में बेगमगंज नंबर वन बनेगा, लोग बात कर रहे हैं सहयोग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, मास्क, नैपकिन और रुई का कचरा पीले बॉक्स में ही डालें। मास्क, नैपकिन और रुई का कचरा पीले बॉक्स में ही डालें, अलग अलग बॉक्सों में ही डालें, गीला सूखा बेस्ट। नगर के लोगों में अब सहयोग करने लगे हैं। बेगमगंज के द्वारा गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित कर कचरा गाड़ी में, अलग अलग बॉक्स में डालने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके तहत लोगों में जागरूकता आ गई है, वो भी खुद ही कचरे को अलग अलग एकत्रित कर अलग अलग बॉक्स में डालने लगे हैं। नगर सुंदर दिखने लगा है, लेकिन अभी नागरिकों के घरों से निकलने वाले घरेलू हानिकारक कचरा, मानव उत्तेजित जैसे मास्क, नैपकिन, रक्त रंजित रुई, पट्टियां जिनके लिए पीले रंग के बॉक्स कचरा गाली में लगाया गया है, साथ ही लाल रंग और काले रंग के बॉक्स लगाए गए हैं, जिनमें लाल रंग के बॉक्स में ऐसी चीजें हैं जो फिर से रिसाइकिल हो सकती हैं, वो डालना है, जैसे रेजर ब्लेड, खराब मोबाइल और टू व्हीलर के खराब बैटरी पार्ट्स आदि। काले रंग के बॉक्स में शौचालय, बच्चों के डायपर, सैनिटरी नैपकिन आदि कचरा डाला जाना है। काले रंग के बॉक्स में कैसा कचरा डालना है, अभी तक पीले और लाल, काले, हरे बॉक्स में भी इनमें से कौन सा कचरा डाला जाना है, इसकी जानकारी नागरिकों को उतनी नहीं है। इसलिए इन बॉक्सों की जानकारी देने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नोडल अधिकारी ने बताया है कि निर्देशों पर वार्ड में घर घर पहुंचकर जागरूक किया जा रहा है। इसमें नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं हरे रंग के कचरा डस्टबिन में, रसोई घर से निकलने वाला कचरा जैसे फल एवं सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, खाना बनाते समय एकत्रित कचरा डाला जाना है। बधाई के पात्र हैं बेगमगंज SDM अभिषेक चौरसिया जी और नगर पालिका अधिकारी CMO धीरज शर्मा, जो नगर को सुंदर बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन बरेली से हमारे संवाददाता तारकिशोर शर्मा की रिपोर्ट। दलितों के साथ मारपीट, देश 21वीं सदी में चल रहा है, लेकिन आज भी गांवों में जातिगत भेदभाव देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह दलित समुदायों को मुकाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो छोटे गांव में आज भी दलित को अछूत नजर से देखा जा रहा है। ताजा मामला बरेली के पास ग्राम गगनबाड़ा का है, जहां दबंगों ने दलितों के साथ मारपीट की, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और अपने बेटे की सगाई की रस्म करने आए अब्दुल्लागंज के गौतमपुरा निवासी मूलचंद दोहरे के साथ नहीं मालूम था कि ग्राम गगनबाड़ा में उनके साथ ऐसा हो सकता है। बरेली के पास ग्राम गगनबाड़ा में अपने बेटे राकेश दोहरे का फलदान लेकर आए थे। उनके पिता और साथ में करीब 30 लोग आए थे। गगनबाड़ा के गुड्डू सिलावट की लड़की से संग रिश्ता तय हुआ था। 3 गाड़ियों में आए थे लोग बाग। जब रात में आए तो गाजे बाजे बजने लगे। गांव के दबंग
राजपूत समाज के लोगों ने विरोध किया, तब बजे ढोल, बंद नहीं हुए तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। लड़की के पिता को गांव का बस्ता दिया और दबंगों में कोई असर नहीं हुआ तो देर रात बरेली थाने में जैसे तैसे दलितों ने बरेली थाने में गए और FIR दर्ज कराई। बरेली से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। पुरा से कुछ लोग एक टीका फलदान में बरेली थाना क्षेत्र के गगनबाड़ा में रात में गए हुए थे, तो वहाँ वधू पक्ष के यहाँ ये लोग नाचना गाना इत्यादि कार्यक्रम कर रहे थे। इसी बीच में गांव के दूसरे पक्ष के लोग आए और उन्होंने आके विरोध किया। उनका तर्क ये था कि गांव में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ढोल बज रहे हैं, इस कारण से वो सो नहीं पा रहे। परंतु इसी बीच में जो है दोनों पक्ष आमने सामने हुए और इनके बीच मारपीट हुई है, जिसमें गगनबाड़ा के कुछ लोगों ने जो है इनके बारातियों के जो टीका फलदान में आए थे इनके साथ मारपीट भी की और उनके वाहनों में पत्थर मार के कांच फोड़ दिए। इस मामले में थाना बरेली में चार नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध SC ST और मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।